सितारगंज के चीका घाट में इन दिनों कैलाश नदी के तट पर मेला चल रहा है, जिसमें आज तेज तूफान बारिश से मेले में लगी दुकानों को भारी नुकसान हुआ है, जिससे दुकानदारों के चेहरे पर मायूसी दिखाई दे रही है। वहीं दुकानदारों ने प्रशासन से मेले की परमिशन बढ़ाने की मांग भी की है। में सारा ही शीशे का और क्रॉकरी का सारा ही सामान टूट गया और भी दुकानदार हैं, उनका सारा बहुत कुछ नुकसान हुआ है। यहाँ पर पूरे मेले में ही नुकसान हुआ है बहुत, कम से कम 50,000 से कम का नहीं नुकसान है इस दुकान में। मेले में तो यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, तो लोग भी मतलब सभी जो दुकानदार लाइन में जितने भी हैं सबकी दुकानें उखड़ी हैं। कोई भी अगर मिल जाए तो अच्छा है साहब, तो हमारा थोड़ा बहुत तो बढ़ जाएगा, मतलब जो भी माल बचा है तो थोड़ा बहुत बिक जाएगा उससे हमारे, नहीं तो यहाँ का किराया है और आना जाना खर्चा है, ये भी नहीं निकल पाएगा हम लोगों का। उनसे हमारा यही अनुरोध रहेगा, क्योंकि बरसात और आंधी इतनी विकट आई है जिससे यहाँ काफ़ी दुकानदारों को नुकसान हुआ, तिरपाल और तमाम चीज़ें लोगों के बेचारों फटने के बाद सारा नुकसान हुआ है। आप देख ही रहे होंगे किस तरह से यहाँ गंगा बह रही है पूरी। हमारा प्रशासन से यही अनुरोध होगा कि दुकानदारों के मद्देनज़र देखते हुए, इनको इनकी माली हालत को देखते हुए प्रशासन जो है एक दो दिन की परमिशन इनको और बढ़ा दी जाएगी, मेरा प्रशासन से यही अनुरोध रहेगा। बाकी इनका नुकसान हुआ है, प्रशासन इस ओर भी थोड़ा ध्यान दे, सामने रहेंगे प्रशासन के साथ में कि हाँ भी इस ओर ध्यान दें। मेला वैसे भी 10 दिन चलता है, 2 तारीख से अपने 24 से 2 तक का है ये परमिशन, और प्रशासन से देखेंगे अनुरोध करके, अगर प्रशासन एक दो दिन और बढ़ाए तो कुछ दुकान